तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हाई प्रोटीन रेसिपी, जो कि हमने दाल के साथ बनाकर तैयार की है। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है क्योंकि इसमें स्प्राउट का यूज हुआ है, तो आप इसको स्प्राउट की सब्जी भी बोल सकते हैं, आप इसको स्प्राउट का सैलेड बोले, सब्जी बोले या फिर दाल बोले। बहुत ही हेल्दी है, आप इसको रोटी के साथ, पूरी के साथ, पराठे के साथ या फिर इसको ऐसे ही आप ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। लंच बॉक्स के लिए भी बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, एक बार बनाकर आप जरूर देखिएगा, आप सभी को बहुत पसंद आएगी और बच्चों के लिए भी बहुत ही ज्यादा ये हेल्दी है। इसके लिए यहां पर हमने ली है आधा कप के करीब मोठ दाल, जिसको कि यहां पर क्या बोलते हैं, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा क्या और बोलते हैं, बहरहाल यहां पर मोठ दाल हमने ली हुई है। और ये जो मोठ दाल है ना, इसको सबसे पहले दो बार पानी से अच्छे से धो लेना, और इसके बाद में इसका पानी हटा देंगे और इसमें साफ पानी डालकर इसको भीगने के लिए रात भर के लिए छोड़ देंगे। अगर आपके पास टाइम कम है तो 5 से 6 घंटे भी आप इसको भिगो सकते हो। ये देखिए, इस तरह से भीग जब जाएगी, इसके बाद में इसका सारा पानी अलग कर देंगे, मलमल के कपड़े में इसको बांध देंगे, लटका देंगे और इसको अगेन 5 से 6 घंटे या 7 से 8 घंटे छोड़ देना, तो इस तरह से स्प्राउट्स इसके निकल आएंगे। तो मैंने यहां पर ली है यहां पर मोठ दाल, जिसको कि मटकी भी बोलते हैं, आ गया याद मुझे, तो देखिए मटकी भी बोलते हैं इसको, तो मटकी आप ले सकते हैं या मोठ ले सकते हैं। इसके साथ ही मूंग दाल का यूज भी कर सकते हैं आप, इसमें मूंग के स्प्राउट भी ले सकते हैं। तो या तो मिक्स करके ले लें मोठ और मूंग, या फिर आप सिर्फ मूंग दाल लेकर, मूंग लेकर और मूंग के स्प्राउट को यूज करके आप इस सब्जी को बना सकते हो। अब बहरहाल आपको करना क्या है, जो भी आपने मूंग या मटकी ली है ना, उसको आपको सबसे पहले कुकर में उबालना है। तो मैंने यहां पर डाल दी है मोठ, स्प्राउट की हुई मोठ, और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे आधी चम्मच के करीब नमक, और इसमें जाएगा पानी। तो पानी हमने इसमें डाला है इतना कि मोठ अच्छे से डूब जाए, तो मोठ के लगभग 1 इंच ऊपर तक हमने पानी रखा है। आधा चम्मच नमक डालकर मिक्स कर दिया और इसमें हम ढक्कन लगा देंगे और इसमें मीडियम हाई फ्लेम पर 2 से 3 सीटी ले लेंगे। ये देखिए कुकर बिल्कुल ठंडा हो गया था, इसको हम चेक कर लेते हैं, ये अच्छे से उबल चुकी है, आपको देखने में ही समझ में आ रहा होगा। तो बहुत अच्छे से उबल गई है और इसमें थोड़ा सा पानी है, तो उसको हम फेंकेंगे नहीं क्योंकि बहुत ही हेल्दी पानी है, इसको हम सब्जी में ही यूज कर लेंगे। तो चलिए इसके लिए हम सब्जी बना लेते हैं। तो हम एक मसाला सबसे पहले बनाकर तैयार करेंगे, ग्रेवी हमें बनानी है, उसके लिए हम एक बहुत ही डिफरेंट सा, बहुत ही यूनिक मसाला बना रहे हैं, तो बहुत ही फ्लेवरफुल बनेगी ये सब्जी। इसके लिए कढ़ाई में आपको डालना है बहुत थोड़ा सा तेल, कोई भी कुकिंग ऑयल आप डाल सकते हो, मैंने यहां पर सरसों के तेल का यूज किया है, 1 चम्मच के करीब आपको डालना है। इसके साथ ही फ्लेम को धीमा रखना है और इसमें डालेंगे 2 चम्मच के करीब, 2 बड़े चम्मच इसमें डालेंगे हम ड्राई कोकोनट, सूखा नारियल, 3 से 4 लौंग डालेंगे, इनका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे लगभग 1 चम्मच के करीब खड़ा हुआ धनिया, खड़ा धनिया डालेंगे, 1 चम्मच सौंफ डाल देना, मोटी महीन कोई भी सौंफ आप डाल सकते हो। इसके साथ ही यहां पर दालचीनी का टुकड़ा इसमें जाएगा 2 इंच के करीब, काली बड़ी इलायची हम इसमें ऐड करेंगे और आधी चम्मच हमने इसमें जीरा ऐड किया है। इसके साथ ही यहां पर देखिए 2 इंच अदरक का टुकड़ा हमने डाला है और 6 से 7 कलियां हम इसमें लहसुन की डाल देंगे और इस मसाले को ना धीमी आंच पर हम 2 से 3 मिनट भून लेंगे। हल्का सा इसका कलर जब चेंज हो जाएगा ना, इसमें खुशबू आने लगेगी, इसके बाद में गैस को हम ऑफ कर देंगे। पर इससे पहले अभी हमें इसमें प्याज भी डालनी है, पहले इसको हम थोड़ा सा भून लेते हैं, इसके बाद में हम इसको प्याज भी इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे, ताकि जब इसको मसाले को हम भूने तो उसका टेक्स्चर अच्छा आए, टेस्ट अच्छा आए। तो ये देखिए मसाले को हमने भून लिया है, इसी बीच हमने प्याज को भी कट करके रख लिया था, तो प्याज भी हम इसमें डाल देते हैं। तो मैंने ली है 1 मीडियम साइज की प्याज, तो उसको बिल्कुल बारीक काट लिया था, तो वो हम इसमें डाल देंगे। इसको भी फटाफट से मिक्स कर लेते हैं, 1 से 2 मिनट इसको भी भून लेंगे और इस मसाले को बिल्कुल ठंडा करके ना मिक्सी की ग्राइंडिंग जार में थोड़ा सा पानी डालकर हम इसका पेस्ट बना लेंगे। बिल्कुल बारीक हमें पेस्ट बनाना है इसका। जो लोग प्याज नहीं खाते हैं तो वो लोग प्याज स्किप कर सकते हैं, प्याज ना डालें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर देखिए मसाला बिल्कुल ठंडा हो गया है, तो चलिए अब इसको हम निकाल लेते हैं मिक्सी के जार में, छोटे वाले जार में। तो इसमें हमें थोड़ा सा पानी ऐड करना होगा, लगभग 1 चाय का कप हमने लिया है, पानी डाल दिया है, और ताकि इस पेस्ट को हम अच्छे से भून पाए, बिल्कुल इसका बारीक पेस्ट हमें पीसना है। ये देखिए पेस्ट हमने पीसकर बिल्कुल तैयार कर लिया है इसका, इसको हम ग्रेवी में यूज करेंगे, तो हमारी जो सब्जी है ना बहुत ही यूनिक सी बनेगी और उसका टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। अब ये देखिए कढ़ाई हमने ली है, इसमें हमने डाला है 2 चम्मच तेल, बहुत ज्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करना है, 2 चम्मच तेल लेकर इसमें डाला है आधी चम्मच राई, आधी चम्मच जीरा डालेंगे, दोनों को अच्छे से चटका लेंगे।
इसके बाद में इसमें जाएगी 1 से 2 हरी मिर्च। हरी मिर्च की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज्यादा कर लेना आप। इसके साथ ही थोड़े से करी पत्ते जरूर ऐड करना और इसमें जाएगी 1 प्याज। एक छोटे साइज की प्याज को बिल्कुल बारीक काटकर हमें इसमें ऐड करना है। आप चाहें तो प्याज को भूनने के बाद ना इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हो, तो उससे सब्जी का टेस्ट ज्यादा अच्छा आएगा। तो सबसे पहले तो हम प्याज को लगातार चलाते हुए भून लेंगे। तो प्याज जब भुन जाएगी ना, इसके बाद में इसमें आधी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर आप अच्छे से भून लेना। और जब वो भी भुन जाएगा, इसके बाद में आप इसमें टमाटर ऐड करना। तो आपको डालना है यहाँ पर टमाटर, एक टमाटर डाल देना मीडियम साइज का या फिर बड़े साइज का टमाटर, बिल्कुल फाइनली चॉप करके डालना या फिर घिसकर भी डाल सकते हो। तो इसको भी हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे जब तक कि ये बिल्कुल तेल को छोड़ने नहीं लगता और अच्छे से पक नहीं जाता। ये देखिए टमाटर हमारा सॉफ्ट हो गया था, इसने तेल को छोड़ना शुरू कर दिया था, तो जो हमने मसाला पीस कर रखा था वो हमने इसमें डाल दिया है। फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पर इस मसाले को लगभग 2 से 3 मिनट हमें भूनना होगा। इसके साथ ही आप इसमें थोड़े बेसिक से मसाले डाल सकते हो, थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल देना। नमक डालेंगे इसमें, तो हमने मोठ को बॉयल करते समय भी नमक ऐड किया था, तो नमक का आप बहुत ध्यान रखें। तो आधी चम्मच नमक डाला है मैंने, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, 1 चम्मच मैंने कश्मीरी मिर्च का इस्तेमाल किया है ताकि हमारी सब्जी का कलर अच्छा आए। तो यही हमने मसाले डाले हैं, इसमें धनिया पाउडर का यूज नहीं किया है हमने, क्योंकि जो हमने मसाला तैयार किया था उसमें खड़ा धनिया हमने यूज किया था। यहां पर देखिए इस मसाले को हम अच्छे से भून लेते हैं। अब ये देखिए मसाला बिल्कुल ड्राई हो गया है भूनने के बाद में, तो अब इसमें जाएगा पानी। तो हम इसमें डाल देंगे लगभग 1 कप के करीब पानी, बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमने स्प्राउट बॉईल करके रखे हैं ना मोठ के, तो उसमें भी थोड़ा सा पानी है। अगर आप चाहें तो इसको और पतला भी बना सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आप ग्रेवी कम ही रखें, क्योंकि बाद में हो सकता है बहुत ज्यादा पानी ना हो जाए। तो अब हमने जो मोठ को स्प्राउट करके रखा था वो हमने इसमें ऐड कर दिया है, साथ ही जो उसमें पानी था वो भी हमने इसमें डाल दिया है। तो चलिए फटाफट से मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद में हम सब्जी में एक बढ़िया सा उबाल ले लेंगे। आप चाहें तो इसमें पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं और इसके बाद में मिक्स कर लें, ढक्कन लगा दें और इसको लो मीडियम फ्लेम पर 5 से 7 मिनट अच्छे से कुक कर लें। ये देखिए 7 से 8 मिनट हमने सब्जी को पकाया था, सब्जी बिल्कुल बनकर तैयार है। इस पर डालें लास्ट में कटा हुआ हरा धनिया, साथ ही आधा नींबू निचोड़कर डाल देंगे खटास के लिए और इसको मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें आधी चम्मच अमचूर पाउडर भी नींबू की जगह ऐड कर सकते हैं। ढक्कन लगाकर 2 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर इसको और कुक कर लेंगे और बस फाइनली आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी मोठ की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। इसी तरह से आप इसको मूंग स्प्राउट के साथ बना सकते हैं, बहुत ही डिलीशियस लगती है, टेस्टी लगती है। आप भी इसको एक बार बनाकर जरूर देखिएगा और अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।